go by this road, that is Gaddafi Main Hill Road. गुड मॉर्निंग गाइज, और कंट्री नंबर 61 युगंडा से आप सबको मेरे अगले व्लॉग में खुश आमदीद। अभी हम लोग, जैसे कि कल की वीडियो में आपने देखा, हम लोग एंटेबे की इस होटल में रुके थे। एक दिन हमने गुजारा, काफ़ी घूमे फिरे और बड़ा ही यहां पे हमें मज़ा आया है। ये होटल हमें $40 का पड़ा था। अभी हम युगंडा का जो कैपिटल सिटी है कंपाला, वहाँ जा रहे हैं। ये हमने टैक्सी की हुई, आप देख सकते हैं। हमने ऊबर पर भी चेक किया था और उस पर भी तकरीबन 80-85 हज़ार रुपये बन रहे थे, और ये टैक्सी भी हमने हायर की है 85 हज़ार में, जो कि तकरीबन $23 बन रहे हैं। तो सिटी तकरीबन एक घंटा दूर है यहाँ से, कंपाला जो सिटी है वहाँ पे हमने होटल किया हुआ है। वो होटल भी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ से वहाँ तक जर्नी भी दिखाते हैं, और फिर वहाँ पर हम क्या विज़िट करेंगे आज ही के दिन, वो भी पूरा आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए। यार, हम 30-40 मिनट बाद पहुंच गए हैं यहाँ पे कंपाला सिटी। ये सेमोन भाई हैं, इनके साथ आए हैं टैक्सी में। और एक चीज़ मुझे, एक बात माननी पड़ेगी कि ये एक तो युगंडा मैंने एयरप्लेन से भी देखा है, बहुत ही ग्रीन और खूबसूरत था, पूरा कंट्री ही ग्रीन है। और दूसरा ये कि हम बहुत सारे एरियाज़ में गए हैं, बैकवर्ड एरियाज़ में भी गए हैं, लेकिन क्लीन है, मतलब है कि साफ़ सुथरा, सफाई में बहुत अच्छे हैं ये लोग। और उसके अलावा जो है रोड्स अच्छे बने हुए, मतलब जो हाईवे है ना, रोड्स बिल्कुल स्मूथ है। तो बड़ा मज़ा आया है। अभी हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, अभी तो हम बस कंपाला सिटी पहुंच गए हैं, टैक्सी से अभी हम उतरे नहीं हैं। कंपाला हम पहुंच गए, ये सिटी सेंटर में हमने होटल लिया है। ये पीछे आप देख सकते हैं होटल सिटी स्क्वायर, और यहाँ बहुत रश है यार, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत कंजेस्टेड शहर है, ट्रैफिक भी जाम रहता है, मोटरसाइकिलें बहुत है। अभी चेक इन करते हैं तो आपको दिखाते हैं अपना रूम यहाँ पे। तो व्यूवर्स, ये हमारा रूम है, ट्विन बेड्स है, आप देख सकते हैं, और ये हमें $28 का पड़ा है।
तो 28 डॉलर इनके पता नहीं कितने बनेंगे, कोई 1 लाख रुपए के बराबर बनेंगे, क्योंकि इनकी करेंसी बहुत डाउन है। 1 डॉलर के इनके 3,800 बनते हैं, हमें तो 3,600 मिले थे एयरपोर्ट पे, लेकिन बाहर आके अभी पता चला है कि 3,800 1 डॉलर की 3,800 मिलते हैं। तो सिंपल सा रूम है, बस अच्छा है, सोने के लिए अच्छा है, बिल्कुल सिटी के सेंटर में है। आप बाहर से ये देख सकते हैं, बाहर से ये व्यू भी नज़र आता है, पार्क वगैरह और लाइफ वगैरह और सारी चीज़ें। तो इट्स फाइन, जस्ट फाइन, मतलब रात गुजारने के लिए सही है। और अभी हम थोड़ी देर के बाद बाहर जाएंगे, फिर एक्सप्लोर करेंगे थोड़े यहाँ के जो बाज़ार वगैरह है, खाना खाने के लिए जाना है, थोड़ी सी भूख भी लगी हुई है। यार यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, अच्छा सिटी प्लाजा। सिटी प्लाजा मॉल है, शॉपिंग मॉल, और ये बड़ा होटल है। यह यार अपने होटल से बाहर आए हैं यहाँ पे कंपाला में, और अभी हम थोड़ा सा फूड के लिए ढूंढ रहे हैं पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स, क्योंकि यहाँ का लोकल फूड हमें इतना समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑप्शन के लिए ये बाइक्स अवेलेबल हैं, जिसको यहाँ पे बोडा बोडा कहते हैं। उबर के थ्रू कार भी मंगा सकते हैं और ये बाइक भी मंगा सकते हैं। तो कार से तकरीबन 2-3 गुना कम लगेगा ये जो बाइक है इसका। और पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं, अभी हमने गूगल में सर्च किया था तो काफ़ी बड़ी तादाद निकली थी उसकी। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं, एक जा रहे हैं, एक हमने पता लगा लिया है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का, वहाँ पे खाना खाएंगे, फिर आपको भी दिखाते हैं, उसके बाद मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। अब जहाँ पे हमारा होटल है वो ओल्ड सिटी है, कंजस्टेड एरिया है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बाज़ार वगैरह है, उधर भी हम जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हम पैदल आए हैं ना, तो ये बड़ा खूबसूरत सा क्लीन और ग्रीन जगह है, और बड़े बड़े फुटपाथ, और एक अलग ही मतलब कंपाला शहर हमें नज़र आया है। तो आराम आराम से अभी हम लोग इस सिटी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा भाई, यहाँ कंपाला में एक रेस्टोरेंट हमने सेलेक्ट किया था, गूगल मैप में डाला था, तो वहाँ हम पहुँचे हैं। रेस्टोरेंट का नाम है खैबर पास रेस्टोरेंट, लेकिन हम तो समझ रहे थे कि खैबर पास नाम है तो ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट होगा, लेकिन पाकिस्तानी नहीं, ये इंडियन रेस्टोरेंट है और थोड़ा सा हाई एंड रेस्टोरेंट है, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव वाला है। लेकिन फिर भी चलो, इसमें हमने ये मंगाया है चिकन कढ़ाई है और रोटी है, और ये तकरीबन 40,000 रुपये तक के पड़ जाएंगे, जो कि तकरीबन 10-11 डॉलर बनेंगे। तो दो बंदों के लिए हाई एंड रेस्टोरेंट में भी हम खाना अगर खाते हैं यहाँ पर कंपाला में, तो तकरीबन 5 डॉलर पर पर्सन में ये पड़ेंगे। अब ये है थोड़ा सा, अभी रोटी भी छोटी लग रही है, लेकिन हम खा के अगर इससे कुछ ना हुआ तो फिर कुछ और मंगवाएंगे। लेकिन ये कि ये पहला रेस्टोरेंट का है, अब रात को हम दूसरे रेस्टोरेंट जाएंगे, उसका एक्सपीरियंस फिर दोबारा आपसे शेयर करेंगे। हाय, यस मिस्टर अब्दुल, अब्दुल मिस्टर शफीक, यस हाउ आर यू सर? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम फाइन। से अफ्रीका भी महंगा है, हैं? कराची, Islamabad. Oh, good, good. Is from where? Which city? Sialkot. It is near Islamabad. Peshawar. Peshawar, yes. How do you know about Pakistan? Me, I read. Huh? I read. Oh, read. That's cool. That's good habit. अच्छा यार, अभी हम ऊबर में बैठे हुए, हम लोग जा रहे हैं, हमें टिकट परचेज करनी है, रवांडा जाना है कल, तो हम बाय बस जाएंगे। और यहाँ पे कंपाला में हमने खाना खाया, खाने के बाद जो है सिंपली
ऊबर मंगाई थी हमने, बारिश शुरू हो गई है, मसला हो गया है थोड़ा सा, तो ऊबर के रेट थोड़े हाई हो गए हैं। पहले जो है 6,000 आ रहा था, लेकिन अभी हमने ये की हुई है तकरीबन 10,000 रुपये में, तो 10,000 तकरीबन $3 बनेंगे। तो $3 में हमने ऊबर की हुई है और हम लोग जा रहे हैं एक जगह है वहाँ पर बस का टिकट मिलता है, वो तो खैर बाद में जब हम जाएंगे कल तो फिर उसकी अलग वीडियो बनाएंगे आपके साथ, पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कितने की थी और क्या था क्या नहीं था। लेकिन अभी हम बस जा रहे हैं, भाई शफीक नाम है इनका, बहुत अच्छे बंदे हैं, तो अच्छे तो खैर सभी होते हैं। ये पीछे भी एक बंदा बैठा हुआ, ये भी अच्छा बंदा है भी या नहीं है? हाँ है। मैं समझा गाड़ी से कूद गया। क्योंकि इसने मुझे बहुत तंग किया, मैंने इसको बहुत तंग किया है। मैंने कहा तंग किया यार? अच्छा मतलब मैंने बिल्कुल जी जी मैंने सिर्फ तंग किया भाई को, तो 7 दिन से मैं मुसलसल तंग कर रहा हूँ, तो वो तो मुझे बहुत ज़बरदस्त अच्छा रखा हुआ है इन्होंने और प्रोटोकॉल दे रहे हैं हर लिहाज से। तो मैं जो है फिर इसका कुछ करता हूँ कि मैं क्यों तंग करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अच्छा यार हम यहाँ टिकट लेने आए थे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बसेस की कंपनीज है ना, तो हम एक में गए ना पूछने के लिए, तो उसमें रात की ही अवेलेबल थी बसेस। यहाँ से रवांडा जाने के लिए तकरीबन 9 घंटे लगते के गाली, तो हमने कहा था कि बाय रोड करते हैं क्योंकि टिकटें तो बहुत महंगी हैं अगर हम जहाज़ में जाते हैं। ठीक है, तो एक बस की कंपनी है ट्रिनिटी के नाम से, मॉडर्न कोस्ट भी है, कंपाला एक्सप्रेस है, जो हमने ली है उसका नाम है जैगुआर बस सर्विस है, जैगुआर एक्सप्रेस। तो इसकी हमने टिकट ली है 50,000 की एक बंदे के लिए, तो दो बंदों के लिए 1,00,000 रुपए में, यहाँ के लोकल 1,00,000 रुपए में, और जो तकरीबन बनेंगे मेरे ख्याल से $15 $50,000 बनेंगे, तो एक बंदे की टिकट जो है $15 की है। अब कल हम जाएंगे, ये हम टिकट हमारे हाथ में है, कल हम जाएंगे तो फिर आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना कि कितनी की थी ये और कैसा रहा सफ़र, रास्ता भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। और अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, एक फर्स्ट अट्रैक्शन है कंपाला के अंदर, मस्जिद है, वो मस्जिद देखने के लिए जा रहे हैं, उसका नाम है कजापी मोस्क, सबसे बड़ा है, बहुत खूबसूरत भी है, उसमें भी जा रहे हैं, पैदल ही जाएंगे। लोग तो यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि यार यहाँ पे जो है ना इतना महफूज नहीं है, सेफ नहीं है, आप इस तरह की वीडियो मत बनाओ रास्ते में, लेकिन हमने कहा यार बनाना तो है, नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे मतलब पता चलेगा ना कि क्या सिस्टम है यहाँ पे। भाई अभी हम नेशनल मस्जिद आए हैं, मोस्क जिसको यहाँ पे कहते हैं, और इसका पुराना नाम था कजापी मस्जिद और अभी जो है इसका नेशनल मस्जिद है। तो अंदर जाने के लिए और तस्वीरें वीडियोस बनाने के लिए और थोड़ा सा वो सही वाला व्यू लेने के लिए 20,000 की टिकट लेनी पड़ेगी यहाँ पे, जो तकरीबन $5 से $6 बनेंगे, हम वो ले रहे हैं और ये अभी हमें टिकट देंगे और फिर जाएँगे। और ये जो है ना एक खेमा है, उसके अंदर इनका ऑफिस बना हुआ है। तो युगांडा में मुस्लिम पॉपुलेशन भी है तकरीबन 12-13% और यहाँ पे काफ़ी सारी आपको मस्जिदें भी नज़र आती है। ये बोल रही है कि मेरा नाम हया है और मैं आपको गाइड दूंगी, ये पूरा 20,000 रुपए गए भाई। Everywhere. Okay. Now I am free. So here we have two parts of the mosque. We have the ground floor. मस्जिद का ये जो पूरा एरिया है इसका तो अलग गेट है, हम एंटर हो चुके हैं, इसके साथ एक मार्केट भी है आप देख सकते हैं बड़ा, अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में वहाँ पे क्या मिलता है, लेकिन असल जो अभी एंटर होने की जगह है ना वो ये है। So this is our main mosque entrance. Yeah. And then from here, let's keep on our shoes.
Then I will show you where to remove the shoes. Okay, okay. We are the second largest mosque in Africa, and then the first largest is in Morocco, Casablanca, mm-hmm. which was named King Hassan II, and this is the second largest, which is in Uganda, Kampala City at Old Kampala Hill. And this mosque was founded by the late Colonel Brother Muammar Gaddafi, the former Libyan president. But before Gaddafi came in, this mosque was built way back in 1970s by our former Ugandan president, Idi Amin Dada. Alhamdulillah, we are living in harmony, even in our families. We are not Muslims 100%. We have different religions in our families. So, alhamdulillah, we are living in harmony. Good, very good. Yeah. So this is a pulpit on Friday. We begin with a preacher, mm-hmm. and he's a khatib. So he stands there for 45 minutes strictly, and then that is his clock. He has to keep time. Mm-hmm. And then he preaches in Arabic, and then he translates it in English, uh-huh. Swahili, mm-hmm. Uganda, that is our best local language. So this is the pulpit. इस मस्जिद के साथ एक बहुत बड़ा मीनार है उसके ऊपर जब आते हैं ना आप लोग तकरीबन 5 से 10 मिनट ऊपर जो है आपको ऊपर जाना पड़ता है बंदरगाह तक भी जाता है पानी जरूर लाइएगा अपने साथ अगर आप इधर कभी आए तो ये फिर मस्जिद की ये देखिए आप मीनार वगैरह ये छोटे वाले डोम वगैरह आप देख सकते हैं और पैनोरामा व्यू ले सकते हैं पूरे शहर का चारों तरफ देखो बड़ा अच्छा शहर है एक टॉप पे माउंटेंस वगैरह है ग्रीनरी है और सारी चीजें बनी हुई है आप देख सकते हैं इधर तो ये पहली छत है और इसके ऊपर एक और भी छत है वहाँ भी जा सकते हैं और पूरे शहर का नज़ारा कर सकते हैं ये भी नीचे बैकग्राउंड में पूरा जो कंपाला सिटी है वो मुझे नज़र आ रहा है इंक्लूडिंग हमारा जो सिटी सेंटर में होटल है वो भी मुझे नज़र आ रहा है तो ये जगह मस्ट आना है अगर आप पैनोरामा व्यू भी ले सकते हैं और मस्जिद भी बहुत बड़ी है खूबसूरत है तो ये भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं यहाँ पर Then when you go by this road, that is Gaddafi main hill road. It just leads from the main gate and then it goes direct to the Makerere University. यार भाई मस्जिद का ट्रिप हम कंप्लीट करके आ गए तो व्यू था वो बेस्ट था और साथ ही साथ जो है एक बड़ी मज़े की आपको बताऊं कि यहाँ पे इस मस्जिद में ख्वातीन भी नमाज़ अदा करती है और हया जो है इन्होंने हमें गाइड किया है बहुत अच्छी गाइड उन्होंने किया है बहुत ज़बरदस्त और इस मस्जिद के अंदर यहाँ पे उसके लिए ना वज़ू के लिए अलग जगह है और ये पार्किंग भी है मतलब बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने मैनेज की है और अभी जो है मैं अभी आ रहा हूँ यहाँ पे जो शॉप्स मैंने बताए थे मस्जिद के बिल्कुल शॉप्स सामने शॉप्स हैं ये देखते हैं थोड़ा सा और यार क्या व्यू था सिटी का जो है ना बहुत खूबसूरत शहर है ये ऊपर से देखने के बाद तो बहुत खूबसूरत लगता है यार चारों तरफ पहाड़ है और दरमियान में सिटी है और ग्रीनरी भी है तो बंदे को थोड़ा ऊपर हाइक करनी चाहिए पहाड़ के साइड पर बाकी अभी हम ये पहुँच गए हैं यहाँ पर जो मस्जिद के सामने दुकानें हैं इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है ना ये हया ने बताया है कि ये ज़्यादातर चीज़ें जो है ये इस्लामिक चीज़ें जैसे टूपियाँ हो गई और मसल्ले हो गए नमाज पढ़ने के हवा दिस इज माय स्मॉल बिजनेस हवाज बुटीक आई सेल दिस ट्यूनिक्स फॉर द यंग बॉयज वी हैव दिस बिग प्रेयर मैट्स फॉर द मॉस्क्स If one likes, you can buy, and then you donate it for the This mosque. Is for how much?
This is for 150,000. Okay. Each. And then even these ones here, we have them in different colors. Them kofira in our local language. Uh-huh. I don't know how you call it in your local language, but it is for also, they're also for men. We call it karakoli, topi. Topi. Topi, yes. Simple. Then they are for men, and then they use them for putting, they put them on when they are going to perform their prayers. यार मस्जिद विजिट के करने के बाद अभी हम एक यहाँ पे वो है रेस्टोरेंट उधर जा रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये बोड़ा बोड़ा जो है ना बाइक यहाँ पे चलती है तो तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता है और ये हमसे 5,000 रुपये मांग रहा है जो कि $1.5 बनता है तो अब इसमें हम बैठ के आपको थोड़ा सा शहर भी दिखाते हैं और इसकी सवारी भी दिखाते हैं ये कंपाला सिटी के अंदर तो आइए एक बात बताऊं आपको और तंजानिया और जैम्बिया यार ये कंपाला में आप देख सकते हैं अक्सर यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है अक्सर जगहों पे क्योंकि ये शहर बहुत कंजेस्टेड है लेकिन खुला हुआ एरिया भी काफ़ी है इस शहर के अंदर और दूसरा यार लोग फुटपाथों के ऊपर भी गाड़ी चलाते हैं कहीं भी चढ़ा देते हैं तो ये वही पाकिस्तान वाला सिस्टम है तो समझो कि ये युगांडा दूसरा पाकिस्तान है लेकिन एक चीज़ है कि लोग जो है ना सेफ्टी का ख्याल करते हैं कुछ ना कुछ तरह के मतलब आपको हेलमेट नज़र आएंगे सब लोग हेलमेट पहनते हैं और रोड्स की जो है थोड़ा सा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं लेकिन ये कि कभी कभी उस पर भी चढ़ जाते हैं जो फुटपाथ वगैरह होती है तो अभी हम जा रहे हैं ये सारा आपको बस रियल लाइफ दिखा रहे हैं यहाँ पे कंपाला शहर के यार बाइक वाले के साथ चल रहे थे कि उसमें अचानक पेट्रोल ख़त्म हो गया तो ये इसने रोका है पेट्रोल पंप के ऊपर ये यहाँ का पेट्रोल पंप है कोई ख़ास फर्क नहीं है यहाँ के पेट्रोल पंप और पाकिस्तान के पेट्रोल पंप में 1 लीटर हाउ मच 3,380 तो 3,300 या 3,400 समझ लो $1 बनता है $1 का यहाँ पे पेट्रोल का रेट है युगांडा के अंदर दोस्तों यहाँ कंपाला में शाम का टाइम हो गया है और अभी हम एक और रेस्टोरेंट है हांडी के नाम से तो ये इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे हम खाना खाने आए हैं और अभी हमने ये मंगाया है बिरयानी आप देख सकते हैं जीशान भाई भी खा रहे हैं दो हमने बिरयानी मंगाई है इस रेस्टोरेंट के अंदर और ये काफ़ी क्वान्टिटी अच्छी है ज़ायका भी अच्छा है अभी हमने खाया है मतलब जो दोपहर वाला रेस्टोरेंट है उससे काफ़ी अच्छा है और ये भी हाई एंड रेस्टोरेंट है अच्छी जगह पे बनी हुई आप रेस्टोरेंट देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत रेस्टोरेंट बना हुआ है और ये जो बिरयानी हमने अभी ली है ये दो बिरयानी तकरीबन $14 की यहाँ की 50,000 के आसपास पड़ी है दो बिरयानियाँ और तकरीबन $14 बनते हैं तो खाना यहाँ पे इतना सस्ता नहीं है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये तकरीबन पाकिस्तानी 1800-1900 रुपये बनेंगे लेकिन खाना अच्छा है तो हम अच्छा खाना खाते हैं क्योंकि लोकल जो है हमें इतना पसंद नहीं है तो ये थी सारी एक्टिविटी आज की आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आ गया होगा और अब कल सुबह हम लोग जाएंगे हमने बस का टिकट ऑलरेडी ले लिया है हम बाई रोड जाएंगे केगाली रवांडा और फिर उसका पूरा आपको अपडेट भी देंगे और पूरा सफ़र आपके साथ शेयर करेंगे कि वो सफ़र कैसा रहता है और कितना अच्छा रहता है तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं फिर बाय